हेलो सैमी भैया, आपने मेरा प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड किया, ऑडियो रिकॉर्ड किया और हमारे पीठ पीछे हमारे दुश्मन को हमारा प्राइवेसी लीक कर रहे थे। और जब मैंने उसका पता चल गया तो मैंने आपको बोला था कि मैं FIR करा रही हूँ नेपाल में, और खुद डर के इंडिया भग गए और अभी फेक कंट्रोवर्सी बना रहे कि हमने आपको छोड़ा। भैया, हम तो नेपाल में ही आप आ सकते इजीली। और एक और बात, मैंने तो नेपाल में FIR करा चुकी हूँ, इंडिया में भी आपको जेल जाना है क्या मोलेस्टेशन के केस में? सो गाइस, आई नो ये स्टोरीज बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल होने वाली है एंड आई नो ये बहुत सारे लोग पिक करने वाले हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स इनको उठाने वाले हैं। बट द थिंग इज गाइस, बहुत टाइम से यूट्यूब पर ना लोग मेरे नाम से फेक कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करके, कुछ भी फेक चीज़ें बना करके, दे वर यूजिंग माई नेम टू गेन व्यूज एंड यू नो बिग फैन UK07 मिलना है भाई, दे जस्ट वॉन्टेड टू मीट मी एंड उसके बाद फेक चीज़ें क्रिएट करके दे क्रिएटेड दीज फेक कॉन्ट्रोवर्सीज। बट गाइज, जब मेरी फैमिली को मारने की धमकी दी गई गाइज एंड मेरी होने वाली वाइफ को जब एक प्रोस्टिट्यूशन एक कॉल गर्ल से कंपेयर करा गया, उस पर हाथ उठाने की कोशिश की गई, तो इट वॉज लाइक डेड सीन फॉर मी। भाड़ में जाए सब लोग, द रियालिटी हैज़ टू कम आउट गाइज। मैंने सारे स्क्रीन शॉट्स, कॉल रिकॉर्डिंग, सारे प्रूफ्स के साथ यू नो माई गर्लफ्रेंड, माई होने वाली वाइफ हैज़ अपलोडेड एवरी फैक्ट्स ऑन हर यूट्यूब चैनल, बिकॉज उसकी इज्जत पे ना गाइज सब कुछ आ गया था। आई जस्ट वॉन्ट एवरी वन टू सपोर्ट गाइज, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट मी। मेरे को लोग 1000 गालियाँ देना, मैं सुन लूंगा, बट अगर मेरी फैमिली को कोई मारने की धमकी देगा गाइज, कोई मेरी बंदी को नेपाली बोलेगा, मैं बहुत प्राउड हूँ कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना गाइज, वो नेपाल से, और नेपाल, आसाम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट से मुझे जितना सपोर्ट है ना, उसमें से आधे लोग नेपाली है गाइज। बट जब कोई नेपाली कोई गाली दे करके बोलेगा ना कि तेरी बंदी नेपाली है, तो आई प्राउडली एक्सेप्ट कि मेरी जो गर्लफ्रेंड और मेरी जो होने वाली वाइफ है ना गाइज, वो नेपाली है। नेपाली कम्युनिटी को गाली दे करके कोई बड़ा नहीं बनने वाला गाइस, बट नाउ दे विल नो द पावर ऑफ ब्रोसेना, कि अगर बाबू भैया की फैमिली और बाबू भैया की होने वाली वाइफ पर कोई इज्जत की बात करेगा तो फिर गेम खत्म। यार मैं ना कोई कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता था, बट क्या बताओ यार, ये बंदा इतना गिरा हुआ इंसान है कि अपने गर्लफ्रेंड के लिए दोस्तों को मतलब अकेला छोड़ दिया, समझ रहे हो आप बात को। लाइफ में यार फ्रेंडशिप बोल के कुछ चीज़ है ही नहीं, और ये फ्रेंड्स को वैल्यू भी नहीं देता है, ठीक है। इसके लिए सिर्फ वही मैटर करता है, व्यूज, सब्सक्राइबर एंड यूट्यूब, ठीक है। रियलिटी में इसका कोई दोस्त नहीं है। एंड आज जो उसने मेरे साथ किया, गाइस नेपाल में लेके आया मेरे को, उसके भरोसे में मैं गया था, फर्स्ट टाइम नेपाल विजिट करवा था, करा मैंने। एंड उसके बर्थडे के बाद वाला दिन ही बोल रहा है कि तू वापस निकल जा, घर चला जा इंडिया। मतलब आमिर माजिद का जब गाना आया था, बहुत कोई सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था कि भाई डोंट गो विद हिम, बट मैंने ना दोस्त समझ के मैंने कुछ उतना चीज़ों को डीपली नहीं सोचा था, बट वही हुआ जो चीज़ें होना था। मतलब कितना दिस इज़ वेरी रॉन्ग ना, मतलब किसी को लेके आओ नेपाल पे, उसके बाद फिर छोड़ दो उसको अकेले। भाई मैं बॉर्डर कैसे क्रॉस करूँगा, आई डोंट हैव एनी आइडिया। देखो भाई लोग यार, सच्चाई कभी छुपती नहीं है, ठीक है। एंड सव्या यार, मैं तुमको बहन मानता था, बट ये जो तुम लड़की होने का गलत फ़ायदा उठा रहे हो, अनुराग की गलती को छुपाने के लिए ये जो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो मेरे ऊपर, करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आई हैव ऑल द प्रूफ्स। एंड ये सब कुछ जब YouTube में अपलोड होगा तब लोगों को सच्चाई मालूम चल ही जाएगा भाई, ठीक है। एंड ये सारे जो फेक एलिगेशन लगा के ड्रामा करके मेरे को डिफेम करने का कोशिश कर रहे हो ना, कुछ फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक बात रही लीगल एक्शंस की, वो तुम्हारी अगेंस्ट में हो जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि आई हैव ऑल द वैलिड प्रूफ्स। एंड लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, तुमको वो लखनऊ वाली गर्ल का बात याद है ना, फेक एलिगेशन लगाने के चक्कर में क्या। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से करना था कि भले ही सव्या के फेक एलिगेशन के कारण मुझे नेपाल से हेट मिल रहा है, बट जो लोग मुझसे प्यार करते हो यार, मैं उन लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यार सव्या को कुछ भी उल्टा पुल्टा चीज़ें मत बोला करो, ठीक है। गलती अनुराग ने किया है, सव्या इज स्टिल लाइक माई सिस्टर, अब उसको जो करना था उसने कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी उसके जैसा बिहेव करें। एंड सारे इंडियंस को मालूम है कि हम बंगाली लोग दुर्गा माता का कितना पूजा करते हैं एंड लड़कियों को माँ के जैसा ही रिस्पेक्ट करते हैं। तो यार गाइस, बस मेरा ये रिक्वेस्ट रख लेना। एंड मैं अभी सेफली हूँ, इंडिया वापस आ गया हूँ, तो या गाइस चलो गुड नाइट। ढेर सारे कमेंट करो और प्यार दिखाओ। लड़की को आगे ला के कुछ लोग समझते हैं ना कि भाई लोग का फ्यूचर जो स्पॉइल कर सकते हैं, मतलब अपनी मेहनत, इतनी मेहनत स्पॉइल कर सकते हैं वो, गलत फैमिली है, स्वाइप अप करो जाओ। काफी सारे DM आ रहे थे, आमिर भाई रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई,
तो रिप्लाई है, स्वाइप अप करो, जाओ ढेर सारे कमेंट करो और प्यार दिखाओ। मिलते हैं।